आपके लास्ट दो पॉइंट बचे हैं, क्षमता पूंजी की लागत और प्रतिशत अंश की लागत। एक तो है आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और एक है रिटेन अर्निंग, दोनों एक ही चीजें हैं। इसमें आता है आपके कैपिटल, उसमें आता है आपके रिजर्व सरप्लस वगैरह, इसको शॉर्ट में बोलते हैं के ई और यहां बोलते हैं आपके के आर। दोनों के फॉर्मूले भी एक ही, जो इसके फॉर्मूले है वही इसके फॉर्मूले। अब देखो के ई का फॉर्मूला, के ई तीन तरह से ज्ञात किया जाता है। पहला मेथड है आपके लाभांश भुगतान विधि, या लाभांश प्राप्त विधि वही है, लाभांश नीति कहते हैं, लाभांश भुगतान विधि कहते हो या लाभांश विधि कहते हो, लाभांश प्राप्ति विधि। तो क्या हो जाएगा आपको ज्ञात करने, अगर आपको के ही ज्ञात करना है, यहाँ भी आपके आफ्टर ज्ञात होगा, बिफोर के उसमें पहले ज्ञात होता है, वरना आपके यहाँ के ही क्या होगा आपके आफ्टर, और हमें यही चाहिए आफ्टर वाले ही चाहिए, बिफोर वाला हमें नहीं चाहिए। आफ्टर टैक्स ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके डी बटा एम पी इंटू 100। अब ये ऐसा डी है जो आपके किन को देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को लाभांश चुकाते हैं, जिसे डीपीएस भी बोलते हैं। डी लिखो तो भी चलेगा और डीपीएस भी लिखेगा तो भी चलेगा। डीपीएस का मतलब होता है आपके, यानी कि इक्विटी शेयरधारियों को देने के लाभांश की जो लागत है वो, मतलब जितना लाभांश दिया, जितना पसंद लाभांश दिया है, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर को जितना आप, यानी कि लाभांश जो है वो होगा आपको डीपीएस, या डीपीएस सूत्र भी आप याद करने का, मतलब पसंद दिया हुआ है सिंपल परसेंटेज लेना, आप सिंपल परसेंटेज लेना है यहाँ पर। और एम पी मतलब क्या होता है बताओ, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। एक तो हो जाएगा ये वाला डीपीएस फार्म दिया हुआ, और ये भी फार्म दिया हुआ है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर कहेंगे कई बार नहीं भी दिया हुआ है तो उसके लिए भी आपके सूत्र है, आप मतलब यही है वो बताऊंगा बाद में, उसके लिए सूत्र है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बटा क्या आ जाएगा आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कैसे ज्ञात कर लेंगे कुल पूंजी कितनी, किसकी इक्विटी शेयर कैपिटल की पूंजी लेनी है और रिजर्व की भी पूंजी लेनी, इसीलिए तो ये जो मूल्य आएगा वो यहाँ भी काम आएगा और इसमें भी काम आ जाएगा। दूसरा मेथड है आपके लाभांश प्राप्ति भी है, लाभांश प्राप्ति के साथ और क्या है आपके ग्रोथ रेट, मतलब वृद्धि दर, दोनों साथ में, मतलब ये सूत्र भी लगेगा और साथ में एक और भी लगेगा, मतलब के ही अगर आपको ज्ञात करना है आफ्टर टैक्स तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ज्ञात करने का, ये तो ये वाला लगेगा आपके लाभांश प्राप्ति वाला डीपीएस बटा एम पी इंटू 100 प्लस वृद्धि दर जी, मतलब ग्रोथ रेट जो उत्तर आएगा 10% आया, आगे दे रखा है 5% वृद्धि, तो 10 और 5 कितने ऐसा जोड़ना है, प्लस 5% करके नहीं जोड़ना है, फिर उत्तर में अधिक गलत आ जाएगा कैलकुलेटर में। यहाँ केवल आपको 5 ही लिखना है, अगर 5% वृद्धि दे रखी है, यहाँ तो 10 आया, दोनों जोड़ कितना आ जाएगा 15, ऐसे करना है, ऐसा नहीं यहाँ 5% लिख दो फिर 5 जोड़ 10 का 5 होता है 0.5, 10.5 वो गलत आ जाएगा, आपको सीधे 5% सीधे 5 जोड़ना है अंदर, जो भी रेट दे रही वो रेट को बढ़ा नहीं है आपको। फिर है आपके नंबर तीन कौन सा है आपके, नंबर तीन वही है इनकम पर है अर्जन प्राप्ति अनुपात, या अर्जन प्राप्ति विधि, अर्जन प्राप्ति विधि। तो सोचो क्या क्या करने के ही क्या करने का, ईपीएस बटा एम पी इंटू 100, आप एक शेयर पर कितना कमा रहे हैं वो, अगर वो नहीं दिया हुआ सवाल तो कैसे क्या करेंगे ईपीएस ज्ञात करते हैं। देखो कितना आपने लाभ कमाया, प्रॉफिट फॉर किसके लिए, इक्विटी शेयर के लिए कितना लाभ है, बटा क्या आ जाएगा आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे मान लो लिखा हुआ जाएगा आपने 50,000 लाभ कमाया, कितने शेयर पर है 20,000 शेयर पर, एक शेयर पर कितना 2.5 रुपए, वो यहाँ आ जाएगा आपको मार्केट प्राइस, वही तो वो सेम, कोई चेंज नहीं आते। अब ये तो हुआ आपके तीन मेथड से ज्ञात करना, अब आपको पूछ ले के ही बिफोर भी बताओ, ऐसे पूछेंगे नहीं आपसे, आप खुद आफ्टर को ही ज्यादा ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा देखो
तो फॉर्मूला क्या याद करने का, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके के ई अपॉन क्या रहेगा, वन माइनस टैक्स रेट ऑफ सिंपल टैक्स का भाग है। अगर आपको संतांश की लागत याद करनी तो तीन विधियां हैं, लाभांश प्राप्ति विधि, लाभांश प्राप्ति वर्धित विधि, या पे आपके अर्जन विधि, तीनों में से कोई फायदा दे रखा है। यह तो है लाभांश कितना चुकाया प्रति शेयर, ये है लाभांश कितना चुकाया तो इस साल वृद्धि कितनी होगी वो भी लेना है, और ये है कि हमने कितना लाभ कमाया इस साल प्रति शेयर, एक शेयर पर कितना कमाया वो आप तीन विधियां, तीन विधि में कोई भी आप के याद कर लो। अब के आर ये कैसे याद करते हैं, अब चाहे आपने इस विधि से ज्ञात किया है या इस विधि से ज्ञात किया है, इस कोई भी विधि से आपने ज्ञात किया वो आपको यहाँ पर के ई लेना है, के आर ज्ञात करना है, के आर और के ई एक ही होता है सेम। अब फर्क कहता है दो चीजों का फर्क है, अगर आपको वो दो चीज नहीं दे रखी है तब तो दोनों एक समान ही, दोनों एक जैसे होते हैं, बस फर्क है देखो अगर फाल के अंदर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो के आर और के ई क्या है आपके एक ही। अब चेंज कब होता है, केवल एक स्थिति में होता है आपके, के आर बराबर हो जाएगा के ई वन माइनस टीपी और वन माइनस बी। अब टीपी क्या है आपके, टीपी हो जाएगा आपके पर्सनल टैक्स हो जाएगा जो सवाल में दिया हुआ है, और एक होता है बी, बी मतलब दलाली ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज अगर दिया हुआ सवाल में तो वो लेना है, वो भी पॉइंट आउट लेना है, जैसे मैंने बताया 30% 20%, तो वैसे आपको 20% दे रखा है तो 1-20% बराबर 0.8 आपको वैसे आना चाहिए। दलाली आ गई आपके 3% का मतलब क्या होता है 1-0.03, मतलब यह समझ लो यहाँ 100 रुपए है और यह 3% क्या टैक्स है, स्वामी सिंह कितना आएगा आपके 97 या 0.97 हो जाएगी, ये थोड़ा ध्यान देना। और के आर और के ई एक ही है, बस फर्क है टीपी का और ब्रोकरेज दलाली का फर्क है आपके, ये पर्सनल टैक्स है 20% 30% में होता है आसपास और ब्रोकरेज दलाली घटानी है। अब के ई कौन सा ले, जो दे रहा है वो, या जो हमने क्वेश्चन में काम में लिया के ई वही आपको यहाँ भी काम में लेना है, केवल ये दो पॉइंट आपको माइनस करने और कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है आपको।